नमस्कार, आप नेशन भारत के साथ में राकेश। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ पटना के सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर हो गया है। मुकदमा फजल इमाम मालिक रालोसपा के राष्ट्रीय महासचिव ने दर्ज करवाया। दरअसल इसी महीने के 3 दिसंबर को कंगना रनौत ने रालोसपा पार्टी के प्रमुख और राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ ट्विटर पर न्यू स्टार इन टुकड़े टुकड़े गैंग जैसे शब्द और आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद आज रालोसपा पार्टी के नेता और अधिवक्ता द्वारा पटना के सिविल कोर्ट में कंगना रनौत के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने 3 दिसंबर को एक रिट्वीट किया, जिसमें उन्होंने माननीय उपेंद्र कुशवाहा के इलेक्शन कैंपेन रैली की तस्वीर को मिसयूज किया। उस तस्वीर में उन्होंने माननीय उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर पे आज़ाद कश्मीर लिखा, फिर पार्टी के दूसरे नेताओं को खालिस्तानी लिखा, लिबरल लिखा, जिहादी लिखा और भी इसी तरह के दूसरी यानी और इस पर टैग ये दिया कि न्यू स्टार इन टुकड़े टुकड़े गैंग। मुझे लगता है कि एक संवैधानिक पार्टी है, हम पार्टी के नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, इससे उनकी छवि धूमिल हुई है, इसका अपमान हुआ है। बिहार के पार्टी के लाखों कार्यकर्ता इससे आहत हैं। इसी को लेकर हमारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रदेश विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्याम बिहारी सिंह ने कंगना रनौत और ट्विटर इंडिया के खिलाफ सिविल कोर्ट में केस दायर किया है और ये केस बिहार के हर ज़िला में होगा, क्योंकि हमें लगता है इससे न सिर्फ नफरत फैलेगी बल्कि एक हिंसा का माहौल भी पैदा हो सकता है और माननीय उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ एक हिंसक कार्रवाई वो से तत्व कर सकते हैं जो आज़ाद कश्मीर या लिबरल या जहादी का ढोंग रचते हैं। तो फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत जो अक्सर विवादों से घिरी हुई रहती हैं, इस बार रालोसपा ने उन पर मुकदमा ठोक दिया। देखना यह होगा कि इस मुकदमे के बाद कंगना रनौत की जो प्रतिक्रिया है वो क्या सामने आती है। नेशन भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहें नेशन भारत के साथ। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।